आज आप लोगों के लिए एक मैं 2 BHK का फ्लैट लेके आया हूँ। मेन रोड से आधा किलोमीटर की दूरी पे है, अच्छा। मेट्रो स्टेशन से 700 मीटर की दूरी पे है। थोड़ा सा मतलब बजटेड फ्लैट है ये। लिफ्ट कार पार्किंग के साथ है, तो मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में। बाकी जिन लोगों को 2 BHK नहीं चाहिए, जिनको 1 चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए, तो मेरे पास सारी चीजें हैं। 1 BHK 15 लाख से, ठीक है, 2 BHK 20-22 लाख से, और 3 BHK 30-32 लाख से, ठीक है, मेरे पास स्टार्टिंग रेंज है ये। तो दोस्तों ये हमारा फ्लैट है, ये फ्लैट की गली है, 20 फुट की गली है, देख सकते हैं, छोटी गली है, मतलब ज्यादा बड़ी गली नहीं है। गली में गेट भी लगा हुआ है, मतलब गेट के साथ साथ मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, गली का जो बेस्ट पॉइंट है कि गली ना यहाँ पे बंद हो रही है। अच्छा, ठीक है। गली बंद होने के कारण क्या हो रहा है, इस गली में ना वही लोग आएंगे जो रहते हैं, ठीक है, ज्यादा चलता फिरता ट्रैफिक नहीं आएगा, तो ज्यादा शोर शराबा नहीं आएगा। इसके बाद मैं अपने फ्लैट की बात करूँ तो हमारे फ्लैट का फ्रंट व्यू है, आप देख सकते हैं कि इसमें ना एक यूनिट पे 2 फ्लैट है और दोनों फ्लैट ही फ्रंट पे है, पूरी बिल्डिंग में ऊपर तक टाइल्स है। ये फ्रंट आप आज जैसा देख रहे हो ना, 8-10 साल बाद ऐसे ही होगा, ऐसा ही रहेगा। एक बार बारिश आएगी तो जितनी बार बारिश आएगी ना उतनी बार फ्रंट चमकता जाएगा। तो ये देखो मेन गेट है इसका, ये मेन गेट है इसका, ठीक है। तो अंदर चले भी, अंदर चलते हैं, मैं आपको पार्किंग दिखाता हूँ। ये आ गई इसकी पार्किंग। ये पार्किंग भी हमने ना देखो, पार्किंग में पूरी फोर सीलिंग कराई है, आधी पार्किंग हमने टाइल्स से कवर करी है। अच्छा, आपको कार पार्किंग चाहिए तो हम इसको गाड़ी पार्किंग भी दे सकते हैं, बट लिमिटेड कार पार्किंग है इसके अंदर, बाइक पार्किंग इंक्लूड है बीच में, कहीं पे भी डील होती है। गाड़ी पार्किंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस है, वो आप मुझे फोन करोगे मैं पूरी डिटेल्स दे दूंगा, बट काफी बड़ी पार्किंग है। पार्किंग के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार फोर सीलिंग दिखाएं, हमने पूरी पार्किंग में भी फोर सीलिंग करवाई है। अच्छा, हाँ, वाओ, अमेजिंग लग रही है बिल्कुल ये भी। और इस फ्लैट की खासियत और है कि फ्लैट लिफ्ट के साथ मिल रहा है आपको। अच्छा, हाँ, तो ये रही लिफ्ट, और लिफ्ट का काम चल रहा है। अच्छा, हाँ, ये लिफ्ट का काम चल रहा है, हो रही है, तो लिफ्ट का काम चल रहा है, होप सो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर हम इसको स्टार्ट भी कर देंगे। हाँ, तो आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं फ्लैट। ये 55 गज का फ्लैट है, वैसे हम 60 गज बोल रहे हैं, उनके ऊपर 55 गज है, जगह 60 गज के आसपास मिल रही है आप लोगों को। बोल, ये देखो मेन एंट्री गेट है, ठीक है, और मेन गेट पे सनमाइका दिखाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, ये देखो, ठीक है, और इसमें ये फ्रंट बैक का सनमाइका है, मतलब फ्रंट में भी है बैक पे भी है। अच्छा, ठीक है, बहुत ही शानदार, देख लो ये गेट है, और इसमें एंटर करते ही सबसे पहले आता है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम भैया, साइज क्या रहेगा इसका? ये ड्राइंग रूम आपका होगा 10x12 का, 10x12 का ड्राइंग रूम है। और ये जो फिनिशिंग आपने की हुई है ड्राइंग रूम में, मैं अपनी ऑडियंस को एक बार दिखा देता हूँ। ये 3D वॉलपेपर के साथ है, ये चीज लगाई हुई है, मिरर का थोड़ा सा मिरर का काम किया हुआ है डबल साइड में, और सामने से ये देखो इसको मैं शोकेस टाइप भी कह सकता हूँ, वुडन का थोड़ा वर्क किया हमने, मतलब किचन के साथ इसको थोड़ा सा दिया है हमने कि उस साइड किचन में भी लुक आ रही है, इधर ड्राइंग रूम में भी इसकी लुक आ रही है, बीच में थोड़ा ग्रास का काम है। अच्छा, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, बहुत ही डिफरेंट डिजाइन है, ये ड्राइंग रूम का लुक दिया है, और ये देखो सामने से इस तरीके से। एक चीज और बताना चाहूंगा, सामने इसके हमने मतलब वही है ना कि कोई भी फ्लैट आप लोग लेते हैं तो आपको एक हम एसी कहाँ लगाएंगे। हाँ हाँ। तो पहले से उसकी फिटिंग दी हुई है, सिर्फ आके लाके आपको ना एसी जो है ना यहाँ पे हैंग करना है। अच्छा। कमरे में पूरी चारों तरफ फोर सीलिंग है, एक बार मैं फोर सीलिंग कहूंगा कि आप दिखाइए उसका टेक्सचर, एक बार मैं LED पैनल भी चाहूंगा आप दिखाइए। हाँ, ये देखो आप LED पैनल देखिए, पूरा दीवार के साथ हमने कवर किया इसको बिल्कुल। काफी ये देखो LED पैनल और साथ में स्विचेस वगैरह सब दिए हुए हैं। अपना है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, आप अपना एल टाइप का यहाँ पे सोफा लगा सकते हैं ऐसे करके। अच्छा, पूरा एल टाइप का सोफा आ जाएगा, यहाँ पे आपकी टेबल आ जाती है। अच्छा, सोफा आने के बाद आपका ये जगह बच भी जाएगी। अच्छा, ये वाली जगह बच जाएगी, यहाँ पे भी कुछ जगह सोफा आप बड़ा बनवा सकते हैं, मतलब अगर आप खुद बनवाते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक आप इस जगह को कवर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे ड्राइंग रूम बनाया हुआ है, ड्राइंग रूम के साथ किचन है इसके। ये किचन है हमारी जी भैया, ऊपर नीचे बॉक्सेस लगी हुई है। ओके, जैसे मॉड्यूलर किचन कहता है ना कि पूरी मॉड्यूलर किचन होती है, तो ये पूरी मॉड्यूलर किचन है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, मतलब जहां तक बॉक्स है हर जगह का यूज है पूरा। ओके, ये चिमनी के लिए हमने बॉक्स दिया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप चिमनी लगाएंगे, सामने पाइप है सीधा, वो कनेक्ट हो जाएगा, आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है, आपको अपना सामान लगाना है। तो ये सारे बॉक्सेस यहाँ पर, सारे बॉक्सेस हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वाला बॉक्सेस है,
यहाँ पे मेन हमने आरओ के लिए दिया होता है कि आप अपना आरओ हैंग करेंगे तो ना आपको पाइप काटने के लिए तो काटना पड़ता है डालने, तो हमने ऑलरेडी काट के रखा हुआ है कि आपको कुछ तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किचन के पीछे लोगों का होता है कंसर्न कि दीवार काली हो जाती है, हमने टाइल्स लगाई है, कपड़ा मारो ये ऐसे ही चमक जाएगी। बहुत कलर, बहुत प्यारा टाइल्स का, ये देख लो कितना अमेजिंग कलर की टाइल्स। डेफिनेटली उसके साथ ये पत्थर और आप ये सनमाइके का भी मैचिंग देखिए कि दोनों का थोड़ा सा व्हाइट में कॉम्बिनेशन आ रहा है। मैं आपको क्लोजअप से एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो ये वाला जो पत्थर लगा हुआ ऊपर जो यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल मैचिंग दिया हुआ है व्हाइट कलर में, बहुत मैचिंग। उसके बाद नीचे डार्क का है, हाँ बिल्कुल लाइट एंड डार्क पे भी थोड़ा सा काम किया हमने। ये नीचे के बॉक्सेस हैं आपके, नीचे से भी पूरी यहाँ पे आपको फिटिंग दी हुई है। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे स्पेशियस किचन है। हाँ, बड़ा किचन है, ऊपर नीचे बॉक्सेस आपका सारा सामान आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखा गया, देखो बॉक्सेस पूरे अंदर दिए हुए हैं। तो अब भैया किचन के बाद नेक्स्ट रूम की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम की तरफ तो आइए हम आपको रूम दिखाते हैं, अंदर चलते हैं और ये देखते हैं मास्टर बेडरूम। सबसे पहले फॉल सीलिंग से यार, फॉल सीलिंग देखिए शानदार। सबसे पहले ये देख लो फॉल सीलिंग डिजाइन, देखो कितना प्यारा है, इस तरह की फॉल सीलिंग है। उसके बाद एंटर करते ही यार इस मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये 3D वॉलपेपर, 3D वॉलपेपर ये देख लो आप, उभर के एक चीज आ रही है। और आपको एक चीज और दिखाना, एक बार आप फर्श दिखाएं, एक बार वॉलपेपर दिखाएं, बिल्कुल कि दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए। ये देखो फर्श का जो कलर है और ये देखो ये है वॉलपेपर। ठीक है, वॉलपेपर का जो डिजाइन है ये भी बिल्कुल सेम टू सेम मैच किया है। हाँ, बिल्कुल कोई अलग से लग नहीं रहा, कुछ अलग से चीज लगाई हुई है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए मतलब ये हमारा, मैंने मास्टर बेडरूम इसलिए बोला कि बालकनी भी है, इसमें वॉशरूम भी है। ठीक है, देख सकते हैं कितनी बड़ी विंडो है, मतलब ऊपर आप विंडो एसी लगा सकते हैं इसमें। और लोगों का कंसर्न होता है कि मैं तो एसी नहीं लगाना चाहता, तो आप नीचे कूलर लगाइए, कूलर लगा सकते, दोनों चीजों की जगह का ऑप्शन भी आपने दिया, दोनों ऑप्शन दिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैंने ड्राइंग रूम में एक एलईडी पैनल दिखाया था, बिल्कुल बिल्कुल, और आपको 2 BHK में ज्यादातर एक ही मिलते हैं। बिल्कुल, ये देखो दूसरा एलईडी पैनल, दूसरा एलईडी पैनल, वाओ कितना बड़ा है, ये देखो कितना बड़ा एलईडी पैनल है। तो दो एलईडी पैनल, और इसमें एक चीज और हल्का सा अलग किया हमने, इसमें ड्रेसिंग टेबल भी दिया है। अच्छा, हाँ, मतलब आप चाहें तो मतलब स्पेस का पूरा यूज, पूरा किया यूज है, हाँ, पूरा ड्रेसिंग टेबल के हिसाब से हमने पूरा इसको दिया है। दो बॉक्सेस दिए हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा सनमाइका हमने लगाया है डार्क कलर का, बिल्कुल जो पूरा मैच कर रहा है। कलर देखो कितना प्यारा है, मतलब पूरी मैचिंग से ये जो लगाया है बिल्कुल एकदम से तरीके से लगाया हुआ है। इसके साथ एक चीज और है, ये अलमीरा है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे अलमीरा भी दी हुई है, तो ये भी बहुत स्पेशियस अलमीरा है। हाँ जी, देखो बहुत ही अच्छी इन्होंने यहाँ पे अलमीरा दी है, जिसमें आपको अलग से कोई सेफ वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, ड्रॉ ड्रॉ सब कुछ है, सब कुछ है, आपको कुछ रखने की मतलब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं है। और साथ में ये जो वुडन का जो डोर है एंट्री वाला, आप इसके हर वुडन के डोर को देखना, इसका सनमाइका जो है ना कैसे मतलब चमक रहा है, वो बिल्कुल कंपनी के लॉक्स है सारे इसके अंदर, कंपनी के स्विचेस है। ठीक है, अब मैंने कहा था मास्टर बेडरूम है तो इसमें बालकनी भी है, बालकनी दिखाना चाहूंगा। बालकनी तो मस्त होती है भैया, चाहिए चाहिए, डेफिनेटली बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे बालकनी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, कितनी बड़ी इसकी देख सकते हैं आप बालकनी, ये देखो यहाँ पे बालकनी और यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए देखिए हमने स्विच दे रखा है। अच्छा, उसका पॉइंट दे रखा है। ठीक है, कि आप अपने कपड़े यहीं पे धो करके यहाँ सुखा सकते हैं। सुखाने के लिए भी हमने जो इसके हैंगर है ना उसको बांध दिया, मतलब लगा दिया यहाँ पे, और सिर्फ अपनी रस्सी बांधनी है कपड़े सुखाने के लिए, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, एक चीज और दिखाना चाहूंगा, इसके फ्रंट में पूरी टाइल्स है ना, तो आप ये देख सकते हैं कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी कि सफेदी पेंट कैसे करना नहीं करना, ये फ्रंट जैसा है वैसे ही चमकता रहेगा। अच्छा, ये इसका अटैच वॉशरूम है। अच्छा, वॉशरूम है, हाँ ये अटैच वॉशरूम आप देख सकते हैं, पूरी ऊपर तक टाइल्स है इसमें, और टाइल्स का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, नीचे इसके मतलब जो नीचे भी है इसका फर्श उसका कॉम्बिनेशन देखिए टाइल्स के साथ। अभी इसमें ना एक्सेसरीज लगी नहीं है क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो सब लग के मिलेगा आपको इसके अंदर, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें ना माउंट वॉल्टेड फिटिंग है, मतलब कोई हैंडल वाला काम नहीं होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फिटिंग्स का काम तो हो चुका है, कनेक्शन दे दीजिए, सिर्फ हमें सामान लगाना है यहाँ पे। तो हाँ जी, तो हम इसके सेकंड बेडरूम में चलते हैं, क्योंकि 2 BHK बताया था मैंने आपको, तो सेकंड बेडरूम में चलते हैं। देख लीजिए वही 7 फुट पे दरवाजा है इसका, सरमई का देख सकते हैं आप दरवाजे के आगे पीछे दोनों तरफ, और कैसे शाइन कर रहा है, मतलब बहुत ही जबरदस्त शाइनिंग है इसकी, अमेजिंग शाइनिंग, ये देख लो आप। ठीक है, आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। और अब हम एंटर कर चुके हैं सेकंड बेडरूम में। ठीक है, बेडरूम में एंट्री करते ही ना जिस चीज पे हमारी नजर जाएगी वो है इतनी बड़ी अलमीरा। हाँ, ये लोगों का कंसर्न होता है सामान का आएगा, तो आपको ना इस फ्लैट में सामान रखने की कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि बीच में आपके बेड का साइज छोड़ा है हमने, इसके चारों तरफ की जगह को यूज करके अलमीरा बना दी हमने पूरी, मतलब आप देख सकते हैं पूरी इतनी बड़ी अलमीरा है कि जितना मर्जी सामान होना उतना रख लेना आप इसके अंदर। ये देखो कितनी बड़ी अलमीरा है, ये देखो इस तरह की यहाँ पे अलमीरा आपको मिलने वाली पूरी, ऊपर नीचे बॉक्सेस है, फिर वही इसमें स्प्लिट एसी की फिटिंग दी हुई है। ठीक है,
ठीक है, काफी बड़ी अलमीरा है ये, काफी बड़ी, मतलब आपका बहुत सामान आने वाला है इसके अंदर। और जो सामने डिजाइनिंग दी हुई बहुत प्यारी लग रही है, ये वॉलपेपर है, मैं वही है कि वो तो हर कमरे के साथ हमने मैच करके आपको देना ही है। आपका पहला घर है तो हम चाहते हैं कि हमसे जितना हो सके ना उतना करके दें आपको, बिल्कुल, कि आपको आगे कुछ भी यहाँ पे लगाने की जरूरत ना पड़े। एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं इस रूम में, मैंने आपको दो तो एलईडी पैनल दिखा दिए, इसमें तीसरा भी है जी, तीसरे बेडरूम में। ओ माय गॉड, तीन तीन एलईडी पैनल। हाँ जी, आप चाहें तो इसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। ये देखो एक बार भैया फॉल सीलिंग के बारे में थोड़ा सा। डेफिनेटली ये पूरी देखिए फॉल सीलिंग, पूरे कमरे को हमने मतलब जितनी कमरे में जगह थी पूरी छत पे हमने फॉल सीलिंग करी है टेक्चर के साथ, मतलब इसका आधा पेंट है आधा ऑफ वाइट दी है कि कॉम्बिनेशन मैच हो, बिल्कुल ठीक है। टेक्चर और वॉलपेपर को आप एक बार देखें तो दोनों का कॉन्ट्रास्ट देखें, बिल्कुल, तो पूरा मैच कर रहा है। फिर वही कमरे की टाइल्स देखिए, बिल्कुल, तो कैसी चमक रही है ये, इस पर ना आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा, हल्का सा भी हाथ से कपड़ा मार देंगे तो टाइल्स साफ हो जाएगी। हाँ, तो आपको यहाँ पे ज्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसका एक वॉशरूम तो मैंने आपको दिखा दिया बेडरूम के साथ, इसमें दूसरा भी वॉशरूम अटैच्ड है। अच्छा, ठीक है, मतलब रात को होता है कि मेरे को जाना है वॉशरूम यूज करना है तो मुझे ड्राइंग रूम से होते हुए दूसरे बेडरूम में जाना पड़ेगा या ड्राइंग रूम में जाना पड़ेगा, बिल्कुल इसमें वो नहीं है, बेडरूम के साथ अटैच्ड है। इसका पहले वाले से थोड़ा बड़ा वॉशरूम है, ठीक है, ठीक है। इसमें एक बार टाइल का कॉम्बिनेशन दिखाना चाहूंगा, देखिए पूरी ऊपर तक टाइल्स है, ऊपर से लेके नीचे तक है, माउंट वॉल्टेड फिटिंग्स है इसके अंदर, मतलब कोई हैंडर वाली शीट्स नहीं लगाएंगे हम। अच्छा, ठीक है, मतलब आप वो बटन वाली शीट होगी तो वो सारी फिटिंग्स हम आपको लगा के देंगे। शाफ्ट है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसके अंदर। यहाँ विंडो भी दी हुई है, हाँ विंडो, देखो कितना बड़ा वॉशरूम है, ये देखो कितना बड़ा वॉशरूम है। तो इजीली यहाँ पर मतलब यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है, मतलब पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, टाइल्स भी अच्छी यूज किए हैं, डोर भी अच्छा यूज किया है, क्वालिटी सारी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको डबल यहाँ पे वॉशरूम्स मिल जाएंगे, ठीक है, तीन एलईडी पैनल्स मिल जाएंगे, डबल टू बीएचके, मतलब ये वाला पूरा फ्लैट है, दो अलमीरा के साथ है, दो अलमीरा के साथ है, मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कराने की जरूरत नहीं है इसमें, ये ऐसा फ्लैट है। इसमें बिजली पानी के मीटर भी आपको बीच में ही मिल रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको अलग से कहीं कुछ नहीं करना है, लोन मैं करा करके दूंगा, अगर आपकी प्रोफाइल है अच्छी तो 80-90% लोन हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स हमने आपको ये पूरा फ्लैट दिखा दिया है, आपने पूरा ओवरव्यू देख लिया है। तो भैया किसी ने बुकिंग करानी है तो किस तरीके से आपके पास आ सकते हैं? देखो इसमें नंबर फ्लैश कर रहे हैं नीचे, आप मुझे फोन कर सकते हैं, आके विजिट कीजिए, पसंद आता है तो हम आपकी मतलब बुकिंग पे एक नॉर्मल अमाउंट लेके बुकिंग करते हैं, बिल्कुल। फिर आगे लोन का प्रोसेस है आपको, मतलब सारी प्रोसेस मैं फोन पे भी समझा दूंगा, मेरे पास आएंगे तब भी समझा देंगे, ज्यादा दूरी पे नहीं है हम और आप, ठीक। मैं तो यही कहूंगा कि एक फोन कॉल की दूरी पे आप मुझे फोन करके आइए, देखिए और बुक कीजिए अपना, और लोन तो हो ही जाएगा, मतलब 80-90% लोन बहुत इजीली हो जाएगा। मैं बार बार यही बोलता हूँ हर वीडियो में हर किसी को, आपकी प्रोफाइल वैसी होनी चाहिए, अगर आपकी प्रोफाइल ओके है तो मैं लोन करवा दूंगा, बिल्कुल। तो आप ये फ्लैट बुक कर सकते हैं, अपना सपनों का आशियाना भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दर्श होम्स का पूरा एड्रेस मैंने गूगल मैप की लोकेशन का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, ओके बाय।